.com। जैसे ही आप सर्च करेंगे पहलवानों का परिचय मैं आपको देना चाहूंगा। रेड कॉस्ट्यूम में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है पिंकी रोहतक और दूसरी तरफ सुमन ब्लू कॉस्ट्यूम में अंशु तोमर मेरठ, ये भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है। तालियां बजाएं दर्शकों एक बार। अरे सौभाग्य है इस धरती का, इस इलाके के लोगों का कि वो कुश्तियां, वो पहलवान आपके सामने है जिनको आपने टेलीविजन पर देखा है और भविष्य में कुछ उभरते हुए पहलवान ऐसे भी है जो आपको अगले ओलंपिक में दिखाई दे जाए, अगले एशियन गेम में दिखाई दे जाए। तो सौभाग्य आप लोगों का। जे तो हो थरी ताली ना बाजी कसर रहेगी ना थरी ताली आएगी, बजाओ बजाओ चार ताली। अरे भाई जो दर्शक तरके जो एडी पंजे पर खड़े हो कुश्ती आ मजा लेना, वो भी सच्चे भगत है कुश्ती के। और आज आप दर्शकों की बदौलत ही विश्व के मानचित्र पर एक बहुत ऊंचा स्थान बना चुका है हमारा ग्रामीण अंचल का पारंपरिक खेल। बड़ा ही शानदार नजारा है दो अंतर्राष्ट्रीय पहलवानों के बीच मुकाबला। भाई मैं धन्यवाद देना चाहूंगा दिल्ली पुलिस की टीम का जिन्होंने यहाँ पे डिसिप्लिन बनाए रखा है, पब्लिक को संभाले रखा है। एक बार प्लीज मैट के पास सभी दिल्ली पुलिस के जवान आ जाएं, प्लीज जितने भी दिल्ली पुलिस के जवान हैं एक बार मैट के पास आ जाएं जी। भाई जितने भी जवान हैं प्लीज एक बार आ जाओ। महावीर भाई सभी दिल्ली पुलिस के जवानों को पगड़ी बांध के सम्मानित करो जी। आ जाओ जी, आ जाओ इधर आ जाओ। इन्होंने सुरक्षा का इंतजाम किया है, इनका बार बार धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। मोमेंटो भी दो भाई, आज दो का स्कोर है रेड कॉस्ट्यूम की खिलाड़ी की। अभी भाई प्लीज एक बार इधर आओ प्लीज, जीरो है और ब्लू कॉस्ट्यूम की खिलाड़ी दो अंकों के साथ बढ़त बनाए हुए। अंदर आए खिलाड़ी जल्दी, मुकाबला और रोमांचक होगा। अभी मध्यांतर के बाद दर्शकों मैं दावे के साथ कहता हूँ भाई तालियां बजाओ, भाई तालियां बजाओ, बजाओ तालियां। देखो बहुत बढ़िया भाई, भाई आगे सेट जाओ भाई प्लीज, भाई ये फोटोग्राफर प्लीज आगे सेट हो, बहुत बढ़िया भाई। भाई ताली बजाते रहे तक दाल आग जाएगा भाई आप पे। दो अंक रेड कॉस्ट्यूम की खिलाड़ी ने। दोनों के दो दो अंक है। अगर ये कौन जीती है जी कुश्ती? अंशु तोमर मेरठ। ये अंशु तोमर जी हमारे यहाँ दो बार भारत के श्री बन के जा चुकी है, सेमीफाइनल में प्रवेश किया।
किया हुआ है अभी तो दर्शकों, आपको और ज्यादा